नमस्कार। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली गुड़हल के ऊपर। गुड़हल को कैसे देखभाल करें ताकि हमारा प्लांट भी हेल्दी रहे और फूल भी हमें बहुत ज्यादा मिले। गुड़हल अभी समर प्लांट में नंबर वन मेरे ख्याल से। अभी जो गुड़हल की बाहर है, इतना कलर, इतना वैरायटी तो बताकर खत्म नहीं होगा। जो लोग हिबिस्कस की शौकीन है, ये वीडियो उनके लिए है, उनके लिए आवश्यक है। लेकिन सभी लोग देख सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी गुड़हल की भरपूर सीजन चल रहा है। कैसे ज्यादा फूल पाए और प्लांट भी ठीक रहे, यही बताने वाली हूँ। अभी पहले हम इसमें देंगे रासायनिक फर्टिलाइजर। रासायनिक फर्टिलाइजर से क्या होता है, थोड़ा सा प्लांट जल्दी बूस्टअप हो जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है फूल देने के लिए। जब जब सीजन आता है उसके हिसाब से देना पड़ता है, नहीं तो स्लो हो जाता है सब, फूल देने में देर करती है, लेट हो जाता है। ऐसे तो जैविक फर्टिलाइजर से प्लांट बहुत अच्छा हेल्दी रहती है, कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन स्लो। फूलों की सीजन में एक बार इसको रासायनिक फर्टिलाइजर देके बूस्टअप करना पड़ता है। इसके अलावा कोई सारी बीमारी भी है तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी। आज मैं इसको फीडिंग के बारे में बात करूंगी। तो मैं दिया अभी डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इससे क्या होगा, प्लांट्स भी ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा और जब फूल देगा तब प्लांट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कम पड़ेगा। तो देखिए ये जो फ्लावर है इसे हम हरोगौरी कहते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। ये गार्डन को तो शोभा तो बढ़ाती है और ये सबसे अच्छा क्या हमारा डेली पूजा में काम आता है, क्योंकि इसको लाइफ तो एक दिन ही होता है। तो हम बहुत सारे फूल तोड़कर पूजा में लगाते हैं, चढ़ाते हैं। इसको जो कलर है सैंडल कलर है, अंदर रेड शेड में है, डार्क रेड मैरून टाइप का, बहुत ही सुंदर दिखने में, बहुत ही आकर्षक है। तो ये जो घोल मैंने बनाया, जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया, वही आज हम प्लांटर्स में या प्लांट्स में दे रहे हैं। एक एक प्लांटर्स 12 इंचेस का जो है उसमें हम 200 ml डाल रहे हैं, और ये जो 8 इंचेस का है इसमें हम 150 ml डाल रहे हैं, ताकि वेस्टेज ना हो, ड्रेनेज होल से ड्रेनेज आउट ना हो जाए। जरूरत पड़ने से एक आध घंटा बाद में थोड़ा सा डाल सकते हैं, जैसे 20-25 ml डाल सकते हैं, लेकिन इकट्ठा ज्यादा मत दीजिए या देना चाहिए, ताकि वेस्टेज ना हो। कुछ चीजें तो फ्री मिलती है हमारे घर में, और इसमें कुछ चीजें जो है वो तो खरीदना पड़ता है, तो इसीलिए हमें सोच समझ कर यूज करेंगे। तो ये गुड़हल में तो दिया जाएगा, और आदर्श प्लांट्स में जरूर दिया जा सकता है, लेकिन मैं आज गुड़हल के लिए बता रही हूँ, इसीलिए गुड़हल ही दिखा रही हूँ। मेरे पास देखिए कितना अच्छा पिंक हिबिस्कस है, डबल डेकर रेड हिबिस्कस है, और जो हरोगौरी है बहुत सारे है, लेकिन एक एक टाइम में एक एक खिलता है, क्योंकि प्लांटर्स में है, इतना बड़ा जगह है तो नहीं,
इसीलिए एक साथ दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो अभी मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बना रही हूँ, 1 लीटर पानी लिया, इसको जो सामग्री है 1 लीटर पानी में मैं 10 ग्राम चाय पत्ती डाला। अभी एक बड़ा साइज का पोटैटो पील डालेंगे, 1 क्यूकम्बर पील डालेंगे और नीम डस्ट, ये है क्यूकम्बर, सूखा भी हो सकता है और कच्चा भी हो सकता है, ड्राई या कच्चा दोनों ही चलेगा। और 10 ग्राम नीम पाउडर इसमें मिलाएंगे, मिला के मिक्स करके एक दिन छोड़ देंगे, एक दिन ढक के रख देंगे। नेक्स्ट दिन इसको छान के हम प्लांटर में डालेंगे, अच्छी तरह डाइल्यूट करके प्लांटर में डालेंगे। यहाँ पे है 1 लीटर, तो ये 4-5 प्लांटर्स में हो जाएगा। तो 1 लीटर और 1 लीटर पानी हम इसमें मिला लेंगे और ये जो छान के बचा रहेगा ये हम गमले में डाल भी सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये नाइट्रोजन और पोटाश दोनों ही मिलेगा और नीम खोली उससे तो बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलेगा और न्यूट्रिशंस और खास करके एंटी फंगल एक्टिव बैक्टीरियल, उससे फंगस नहीं लगने देंगे प्लांटर में, वो हर तरफ से सेव करेगा जो नीम खली है। तो इससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बना, बहुत ही जबरदस्त, आप यूज करके देखिए फिर बताएंगे मुझे। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे वीडियोस के लिए मुझे बताइएगा। आज की वीडियो तो यहाँ तक ही है, ऐसे ही अच्छा फूल खिलेंगे। और ऐसे तो नॉर्मली आप लिक्विड फर्टिलाइजर वीकली 1 टाइम दे सकते हैं, ज्यादा देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा होने से भी नुकसान होता है। देखिए मेरा प्लांट्स या फूल आपको कैसे लग रहा है मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हर हर महादेव लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दूसरी वीडियोस में मिलेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू अगेन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।